हरे कृष्णा। सरल गीता के इस तीसरे अध्याय में, तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हम सुख विषय पर चर्चा करेंगे। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवद गीता यथारूप पर आधारित हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पिछले दो पार्ट्स में हम भगवद गीता के कुछ श्लोकों को लेकर इस पर चर्चा कर चुके हैं। अभी बहुत ऐसे श्लोक हैं जो सुख, हैप्पीनेस सब्जेक्ट के ऊपर हमें प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमें सुख के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए, आज का श्लोक हम ले रहे हैं, ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक से है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न मन स्थिर होता है, और उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। आइए इसको रिपीट करता हूं मैं, अब मैं उल्टा पढ़ता हूं। शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है, ये आखिरी लाइन है इस श्लोक की। इसका मतलब, अगर हम सुखी होना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम सुखी कैसे हों, तो उसके लिए हमें शांति हासिल करनी होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है शांति के बिना सुख कैसे होगा। जब तक आप शांति नहीं है, सुख नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि फिर शांति कैसे होगी। तो उल्टा चलते हुए हम देखते हैं कि जिसका मन स्थिर होता है, उसको मन के स्थिर हुए बिना शांति की संभावना नहीं है, यानी कि शांति होगी तो सुख होगा। अब शांति कैसे होगी, वो तब होगी जब मन स्थिर होगा। अब मन स्थिर होने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि बुद्धि दिव्य हो, यानी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित हो। हमारी बुद्धि हमें ये बताए कि हर वक्त जो है पैसे के पीछे भागना, या हर वक्त पावर के पीछे भागना, या नशे के पीछे भागना, या हर वक्त बस मटेरियल एन्जॉयमेंट सक्सेस के पीछे भागना सही नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, आखिर हमें ये जन्म क्यों मिला, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब तक हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते, भगवान से अपना संबंध आप एक मित्र के रूप में भी संबंध कर सकते हैं, एक माता पिता बन के लड्डू गोपाल के रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं, या हनुमान जी की तरह दास्य भाव में सेवा कर सकते हैं। ये सबसे मेरे को तो सरल लगता है कि हम भगवान से दास्य भाव में जुड़ जाएं। तो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। इससे क्या होगा, बुद्धि दिव्य होगी, समझ पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। मन स्थिर होगा, उससे शांति की प्राप्ति होगी, और शांति के बाद सुख मिलेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का भाव है। हमें यही नहीं पता होता मन चंचल क्यों रहता है, कभी लगता है ये कर लें, कभी लगता है वो कर लें, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे को हमारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में ये नहीं पता। जो हम हासिल कर लेते हैं फिर वो छोटा लगने लगता है, या प्रभावहीन लगने लगता है, फिर हम सोचते हैं कुछ और हासिल करें। तो जब हमें पता होगा कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, जब हमें ये मनुष्य को ये पता चल जाएगा, और जब मनुष्य को ये पता चल जाएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब का इंजॉयर भोक्ता भगवान कृष्ण हैं, वे सबके स्वामी या सबके मित्र हैं, फिर हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो स्थिर होगा और शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो कुल मिला के पर्पट की इन लाइनों से जो हमें संदेश मिल रहा है वो ये कि हमें इस बात को समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ चंद कोई पोजीशन हासिल करना, या कोई एक प्रॉपर्टी को हासिल करना ही है, क्योंकि उसको हासिल करने के बाद फिर लक्ष्य बदल जाएगा। तो अंतिम लक्ष्य क्या है, वो अंतिम लक्ष्य जानना भगवद गीता के थ्रू बहुत ज़रूरी है। जब हम वो जान पाएंगे तब हमारे मन में धीरे धीरे कृष्ण से संबंध स्थापित होगा, और चित्त मन शांत होगा, और शांति से फिर हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। आगे प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बता रहे हैं कि जो कृष्ण से संबंध ना कर कर कार्य में लगा रहता है, हर समय सोचता है कि मैं कुछ अचीव कर लूँ, वह निश्चय ही दुखी और अशांत होगा। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, स्वयं प्रकट होने वाली। इसमें हम कोई दिखावा नहीं कर सकते। हम अगर कृष्ण भावना भावित हैं, यानी कि अगर हम भक्त हैं, हमारा मन कृष्ण में लग रहा है, कृष्ण के चरणों में मन लग रहा है, तो ये एक ऑटोमेटिक स्टेज है, इसका कोई दिखावा प्रदर्शन नहीं है।
और ये तभी होगा जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इस छोटी वीडियो में हम इस पॉइंट को पकड़ पाए कि भगवान ने जो भगवद गीता के 2.66 में बताया कि अगर रियली हम सुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शांत होना होगा, शांत होना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को, मन को स्थिर करना होगा, और वो तभी हो पाएगा जब कृष्ण के साथ हम अपना संबंध बनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे प्रार्थना है कि रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवद्गीता यथारूप को पढ़ें, और अगर आप भगवद्गीता के प्रचार में हमें मदद करना चाहते हैं तो इन जो नंबर दिए गए हैं इन पर हमें संपर्क करें। इस्कॉन रोहिणी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप हमें संपर्क करें। हरे कृष्ण, आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।